वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों हमारे इस वीडियो में। एक और नया एक्सप्रेसवे की बात आज हम करेंगे और जानेंगे इसकी पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ बहुप्रतीक्षित नेशनल एक्सप्रेसवे 6। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हाईवे की तर्ज पर अब भारतमाला परियोजना 2.0 के तहत अब फोकस होगा देश में नेशनल एक्सप्रेसवे का चाल बिछाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल भी आपको सब्सक्राइब करना है बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अब मैं आपसे एक रोड सेफ्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, तथा इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और इसका करेक्ट आंसर बताने वाले यूज़र्स की नेम भी डिस्प्ले करूँगा। दोस्तों NHAI लखनऊ शहर के बाहर ही बाहर आउटर रिंग रोड का जाल बिछाने के साथ ही लखनऊ से कानपुर का सफ़र और आसान करने जा रहा है। रक्षा मंत्री व सांसद राजनाथ सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे NE6 का सफ़र मात्र 45 मिनट में पूरा होगा। एलिवेटेड 6 लेन, जिसको भविष्य में 8 लेन करने पर भी विचार होगा, पर वाहन फराटा भरेंगे। करीब 4,733 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से फोकस करने के निर्देश प्राधिकरण के अफसरों को दिए हैं। उद्देश्य है कि 2 साल के भीतर यानी वर्ष 2023 के अंत तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। इसलिए कार्यदायी संस्था इस 63 किलोमीटर प्रोजेक्ट को कई पार्ट में करेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में यह बड़ा प्रोजेक्ट होगा। बता दें कि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव है। वर्तमान में लखनऊ से कानपुर के बीच वाहनों की संख्या कई लाख है। वर्तमान में लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे के बीच यह एलिवेटेड रूट बनाया जाएगा। एक टोल प्लाजा होने के साथ ही किसानों के करीब 450 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। इसके एवज में 900 करोड़ से अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। इस रूट पर पैदल चलने के लिए 22 अंडरपास बनाया जाएगा। यही नहीं, इस रूट पर एक रेलवे ओवरब्रिज ROB भी बनाया जाएगा, और इस एक्सप्रेसवे को आगामी 100 वर्ष तक को सोचकर बनाया जा रहा है। उद्देश्य होगा कि अगर आबादी व ट्रैफिक इसी गति से बढ़ता रहा तो भी ट्रैफिक की समस्या एलिवेटेड रूट पर नहीं आएगी। कुल मिलाकर लखनऊ कानपुर हाईवे जो पहले से बना है वो चलता रहेगा। शुक्लागंज कानपुर NH27 से स्टार्ट होकर यह एक्सप्रेसवे लखनऊ में शहीद पथ पर ख़त्म होगा, और यह पहला एक्सप्रेसवे होगा जो लखनऊ आउटर रिंग रोड से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। 63 किलोमीटर एलिवेटेड रूट पर प्रमुख रूप से 2 पुल और करीब 26 छोटे पुल का निर्माण किया जाएगा। NHAI पूरी तैयारी से लगा है। उम्मीद है कि 23 अक्टूबर 2021 को औपचारिकताएं पूरी होते ही नवंबर 2021 से जमीन पर काम शुरू हो जाएगा, और प्रयास है कि 2 साल से भी कम समय में इसे तैयार किया जा सके। लखनऊ से कानपुर का सफ़र सिर्फ 45 मिनट में आने वाले समय में पूरा होगा। अभी यह दूरी करने में लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता है। इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने के बाद उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर राजधानी लखनऊ से एक्सप्रेसवे द्वारा जुड़ जाएगा, तथा इससे व्यापार के साधन में बढ़ोतरी होगी तथा व्यापार में नए आयाम उपलब्ध होंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।